हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉपलिन क्लासेस की प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 6.3 का। आज हम अध्ययन करने वाले हैं प्यारे बच्चों, इससे पहले प्रश्नावली 6.3 का एक वीडियो आपको प्राप्त हुआ होगा, आपने उसमें जो जहां तक सवाल आपने वहां पर सॉल्व किए हैं उसी के आगे की यहाँ आज सवालों का हम चर्चा करने वाले प्यारे बच्चों। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल आज का जो है छठवां नंबर है, छठवें से पहले वाले जो सवाल है उन सभी सवालों को हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देख लिया है। अब आज की जो छठा नंबर सवाल है वो कह रहा है दी गई आकृति में यदि यदि त्रिभुज ए बी ई, ये सर्वांग सम का चिन्ह है, मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बता के रखा है, पहली वाली वीडियो जाइए इस लेक्चर की देखिए, तो मैंने बताया कि ये सर्वांग सम का चिन्ह है और ये समरूप का चिन्ह है, कभी कंफ्यूजन मत लाइएगा अपने आप में। तो भैया त्रिभुज ए बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, तो सिद्ध करना है कि ए डी ई, अब आपको दिखाई पड़ना चाहिए ना ए डी ई, यानी छोटा वाला ये है और बड़ा वाला कौन है ए बी सी, ये छोटा और बड़ा वाला समरूप सिद्ध करना है। तो आपको आकृति बना के दी गई है तो कौन सी दिक्कत है प्यारे बच्चों, अब तो हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है वो चीज हम लिखते हैं, लगाने का तरीका कैसे होता है वो हमको पता हो जाना चाहिए कि भैया त्रिभुज ए बी ई, एकदम फर्स्ट लाइन आप देखिए वहां पर लिखा है, दिया है क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी ई, ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। जब ये चीज सर्वांग सम है तो क्या हम इससे कुछ चीजें जान सकते हैं या कुछ चीजें प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल, यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में सेम टू सेम यानी डिट्टो वाला काम करती हैं। संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी और संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले यदि सर्वांग सम त्रिभुज है कौन, ए बी ई, ए बी ई ये वाला त्रिभुज और ए डी ई, ए डी सी, ए डी सी ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, यानी ये यहां से लेके यहां तक ये वाले और ये इतने टोटल वाले त्रिभुज जो है सर्वांग सम है, ऐसे करके हैं ऐसे करके। तो जब सर्वांग सम है तो इनकी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी ना। तो भैया हम लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी, बिल्कुल, क्योंकि ये सर्वांग सम है और सर्वांग सम त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती हैं अर्थात ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं ए सी, ए बी बराबर ए सी। अगली भुजा हमारी क्या होगी, अगली भुजा हमारे पास ये है देखिए ए डी है और अगली भुजा ए ई, दोनों संगत भुजाएं हैं, तो अगला क्या है और ए डी बराबर ए ई और ए डी बराबर ए ई। हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अब आप एक बात मुझे बताइए जरा सा, क्या हम ये चीज लिख सकते हैं ए डी ए बी को इधर कर दें, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं ए डी बटे ए बी, ए डी बटे ए बी और इधर ए ई बटे ए सी, क्या हम यहां से ये लिख सकते हैं? काफी लोगों को ये चीज नहीं समझ में आती कि आखिर ये चीज सर कैसे लिख दे रहे हैं, लिखकर आगे बढ़ जाते हैं। प्यारे बच्चों हम ऐसा नहीं करने वाले, जब तक आप नहीं समझोगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम तो यहीं रुके हुए हैं हमेशा। ठीक, अब ध्यान से लिखिएगा, आखिर ये चीजें क्यों लिख दी गई, ए डी बटे ए बी कर दिया गया और ए ई बटे ए सी कर दिया गया, इसलिए किया गया क्योंकि जिन त्रिभुज को मुझे समरूप सिद्ध करना है उसमें ये देखिए एडी बटे ए बी, एडी और ए बी और ए ई और ए सी देख रहे हैं ना। तो देखिए जो क्रम यहां है, जैसे एडी आपने लगातार दो भुजाएं लिया तो यहां भी लगातार, फिर एक अंतराल है ए ई तो वहां भी एक अंतराल है, तो इनकी संगत भुजाएं हैं और संगत भुजाओं का अनुपात अगर आपस में बराबर हो जाए तो हम त्रिभुज को समरूप सिद्ध आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। परंतु भैया लिख क्यों रहे हैं, ऐसा काही लिख दिए, आप देखो इसको अंकों में रख के देखो जरा सा। यदि मैं बोलता हूं ए बी की वैल्यू, देखो भैया
हमने ये रफ के लिए आपको समझाने के लिए लिखा, ये आपके इसमें नहीं लिखना उखना है, बता दे रहे हैं। तो AB की वैल्यू 3 है, अब आपको पता है AC की भी वैल्यू तो 3 ही होगी, AB भी वैल्यू 3 है और AC की भी वैल्यू 3 है। अब जैसे मैंने कहा भाई AD की वैल्यू हमने 4 रख लिया, तो वो भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। चलो अब हमने क्या किया कि इसका अनुपात इससे ले लिया और इसका अनुपात इससे ले लिया, तो बोलो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। आप चाहे देख लो भैया, AD बटे AB 4/3, AE बटे EC 4/3, तो भाई चाहे जिसका जिससे अनुपात लो कोई फर्क पड़ने उड़ने वाला नहीं है। इसीलिए हमने लिखा ना कि AD बटे AB और AE बटे EC। तो उम्मीद है कि ये आपको चीज समझ में आ गई होगी, अब तो डाउट नहीं रहने वाला है। अगर अब भी डाउट होना तो आपके पास कमेंट सेशन है, आप वहां पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि सर जी अब भी यहाँ पर डाउट है। अगर डाउट क्लियर हो गया होगा तो प्यारे बच्चों एक बार जम के इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जो इस बार हाई स्कूल की तैयारी यूपी बोर्ड से कर रहे होंगे। अब हम बातें करते हैं, ये दो चीजें दे दी गई हैं, अब हमको जो सिद्ध करना है वो चीजें लिखते हैं। सिद्ध कीजिए यानी सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है ये आपको लिखना रहता है ऐसे एग्जाम में। जब ऐसे आप लिख के आएंगे ना तो कोई आपका एक नंबर भी नहीं काट सकता। क्या सिद्ध करना है, ट्रेंगल ADE समरूप है ट्रेंगल ABC के, तो जो सिद्ध करना है उसी को हम लिख लेते हैं। अब वहीं से स्टार्ट करेंगे, ट्रेंगल ADE तथा ट्रेंगल ABC में सबसे पहला चीज लिखेंगे जो हमने ऊपर निकाला है, AD बटे AB बराबर AE बटे EC। भैया ये हमने ऊपर सिद्ध किया है, अपने मन से नहीं लिखा ना तो दिया था, मैंने ऊपर सिद्ध किया है। लिखा लिखना चाहेंगे तो कारण दे सकते हैं, त्रिभुज ये वाले त्रिभुज ABE सर्वांक सम है त्रिभुज ACD के, इसलिए हम लोग ये चीज यहाँ पर लिख दिए। अब एक चीज और करना है भैया, ADE और ABC में ADE छोटे वाले बड़े वाले ABC में कोण A दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, तो ये चीज हम यहाँ पर लिख देते हैं, कोण A इक्वल टू कोण A। भैया कारण कोई पूछा तो कारण हम कहाँ देने से पीछे हट रहे हैं, लिख देंगे कि भैया उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है। अब आप बताओ S S एंगल यानी S A S कौन सा नियम लग गया यहाँ, S A S लगाएंगे, S A S साइड एंगल, साइड दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है और एक एंगल बराबर है, तो साइड एंगल साइड लगाना भैया। तो एस ए एस समरूपता नियम से, एस ए एस समरूपता नियम से ये दोनों ट्रेंगल, जो ये दोनों ट्रेंगल है ना कॉमन, ये त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ये आप पोर्शन जो आपका कह रहा था, देखिए कितने आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। तो आप फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम सातवें प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं। अरे जो सातवां नंबर प्रश्न है ना, वो लंबा चौड़ा देख के तो जरा सा नहीं डरना है भाई, अगर डर गए तो भाई सवाल आपके ऊपर हावी हो जाएगी। देखिए क्या करा कि दी गई आकृति में, ये आकृति दी गई है, ABC के शीर्ष लंब AD, ABC का जो शीर्ष लंब है ये AD, ये वाला ये लाइन देख रहे, ए से लेकर डी तक पर, और सीई ये दूसरा शीर्ष लंब जो सीई है, परस्पर पी पर प्रतिच्छेद करते हैं मतलब काटते हैं, तो दर्शाइए कि सबसे पहला AEP समरूप है CDP के। तो जो चीज वहां समरूप सिद्ध करने के लिए दिया है सबसे पहले हम वही लिखते हैं, त्रिभुज AEP तथा अगला त्रिभुज कौन है भैया, त्रिभुज CDP में। तो सबसे पहले AEP और CDP आकृति में हेरते हैं हम लोग, है कहाँ AEP, देख रहे हैं ये छोटा वाला ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है आपको, ये वाला और CDP ये वाला छोटा ट्रायंगल दिखा आपको, दिखना चाहिए प्यारे बच्चों, मैंने इसीलिए अलग करने के लिए उसको लाइनिंग कर दी है। तो उन दोनों त्रिभुज में
एक तो आप देखो सबसे पहला तो ये दोनों, एक एंगल ये और एक एंगल ये, दोनों त्रिभुज में एक कोण तो 90 है, तो क्या हम आराम से वहां लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ये चीज। तो भैया इस एंगल का नाम होगा सी डी पी और इसका होगा ए पी, एंगल सी डी पी, एंगल क्या देखिए, एंगल सी डी पी इक्वल टू एंगल आप ए पी, क्यों बराबर है भैया, दोनों क्या है समकोण है, दोनों कोण क्या है ये समकोण है ना। अब आगे हम कंडीशन अगला देखते हैं, यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ये यहां से लेके यहां तक वाला एंगल, इसे शीर्षा विमुख कोण के नाम से जानते हैं और जो कि आपस में बराबर होता है, तो लिखेंगे सी पी डी और ए पी ई, देख रहे हैं सी पी डी, एंगल ऑफ सी पी डी इक्वल टू एंगल ऑफ ए पी, ये आपस में बराबर है भैया, क्यों बराबर है, ये दोनों शीर्षा विमुख कोण है, कौन है शीर्षा विमुख कोण। अब कौन सा नियम लगाएंगे, देखिए एंगल एंगल ए समरूपता नियम से, जब मैं ये नियम पढ़ा रहा होगा आप इससे पिछले वाले वीडियो में, तो हमने वहां पर खूब जम के चर्चा किया था कि भाई इस फार्मूले पर, इस नियम पर आपका पूरा ये प्रश्नावली ही है, ए समरूपता नियम से ये दोनों जो ट्रिंगल हैं त्रिभुज ए पी समरूप हैं त्रिभुज सी डी पी के, ये आपका फर्स्ट पोर्शन यहाँ आपने समरूप से निकल लिया। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पोर्शन की, सेकंड पोर्शन आपका क्या कर रहा है, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई में, त्रिभुज सी बी ई में, त्रिभुज सी बी ई में। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ए बी डी और सी बी ई, तो ए बी डी और सी बी है कहाँ, ए बी डी दिखाई पड़ रहा आपको, ए बी डी दिखाई पड़ रहा प्यारे बच्चों, ए बी डी यहां पर, ए बी डी यानी इस बार हमारा जो त्रिभुज रहने वाला है वो यहां से, जहां से देख लिया पूरा रेड मार्क कर, ये पूरा यहां से लेके यहां तक, और अगला वाला त्रिभुज कौन है भैया, सी बी ई, सी बी ई यानी ये अधूरा, इस बार यहां से लेके यहाँ ये वाले भाग, ए ऐसे करके ऐसे वाले ना, तो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई लिखें। अब इसमें देखिए ए बी डी और सी बी ई में सबसे पहला बात, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो बी है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में जो कोण बी है ना भैया वो उभयनिष्ठ है, एंगल ऑफ बी दोनों में क्या है उभयनिष्ठ है, चलिए जब दोनों में उभयनिष्ठ है तो दोनों बराबर होंगे तब तो उभयनिष्ठ है ना। अब हम अगली बात करें तो अगली बात हम यहाँ क्या कर सकते हैं, बी तो बराबर हो गए भैया ए बी डी में, ए बी डी में और सी बी ई में, ये देखिए ये वाला एक ये एंगल और ये दोनों एंगल 90 डिग्री के है ना, इसलिए बराबर होंगे, इनका नाम लिखेंगे सी डी, देखिए फिर से कौन सा बन रहा है, ए बी डी देख रहे हैं, ए बी डी हाँ, तो एंगल बनेगा ए डी बी, अगला एंगल बन जाएगा सी ई बी, ऐसे लिखेंगे एंगल ऑफ ए डी बी, एंगल ऑफ ए डी बी बराबर एंगल ऑफ सी ई बी, सी ई बी क्यों बराबर है भैया, दोनों समकोण है, दोनों क्या है समकोण है, तो कौन सा नियम लगाओगे आप यहाँ पर, ये आप यहाँ पर लगाएंगे ए समरूपता नियम से, ए समरूपता नियम से ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो समरूप हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के, लिख देते हैं त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के, तो ये आपका सेकेंड पोर्शन आप कंप्लीट कर लिए।
अब हम बात करेंगे थर्ड पोर्शन की। इसका थर्ड पोर्शन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। थर्ड वाला पोर्शन है त्रिभुज एईपी और त्रिभुज एडीबी। तो लिखते हैं त्रिभुज एईपी तथा त्रिभुज एडीपी में बात करेंगे। अब एईपी और एडीबी, बी है ना, एडीबी, चलिए पी हम लोग लिख रहे थे, तो ए डी बी, तो ए ई पी दिख रहा होगा, ए ई पी, अगला ए डी बी, ए डी बी ये दिख रहा है, यानी छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला। ये देखिए ये छोटा, अभी हम आपको इसको मूव करके दिखाएं, तो थोड़ा सा भी मैंने डायग्राम, ये देखो, ये जिसको मैंने खाली किया ये वाला, अगला ये ए डी बी और ए ई पी, यही दोनों त्रिभुज हैं। तो देखिए दोनों में तो सबसे पहले ए जो है ये वाला एंगल, ये दोनों में उभयनिष्ठ एंगल बन रहा, और एक आपका ये 90 इधर वाला हो गया, ये 90 डिग्री, एक का नाम दे दीजिए और ये जो है आपका अगले का नाम रख दीजिए, दो रखेंगे तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप चाहे जिसको रख सकते हो प्यारे बच्चों, चाहे जो भी देख कर आप, तो वहां देखिए क्या रखेंगे। तो सबसे पहला चीज कोण ए मिला है, कोण ए अर्थात एंगल ऑफ ए और एंगल ऑफ ए दोनों में भैया उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। अब बताओ जब ये उभयनिष्ठ है, इतनी बातें तो क्लियर हो गई। अब आगे हम अगर देख पा रहे होंगे तो एंगल ऑफ एक को हम कहते हैं ए पी और अगले को क्या कहेंगे, ए डी बी। तो एंगल ऑफ ए पी बराबर एंगल ऑफ ए डी बी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है भैया, समकोण है ना, क्या है भैया, समकोण है। तो बोलो कौन सा नियम लगेगा, ए ए समरूपता नियम से, कौन से नियम से, ए समरूपता नियम से, ए समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के, ये चीज आपके समरूप है, ये आपको दिया गया है। चलिए ये थर्ड पोर्शन आपका हो जाता है। लास्ट फोर्थ यानी जो चौथा नंबर है वो आपका इससे क्या करा उसे हम देखते हैं। चौथा नंबर है पी डी सी, पीडीसी दिख रहा है, पीडीसी छोटा वाला त्रिभुज, त्रिभुज पीडीसी अगला त्रिभुज जो है उसका नाम लिखते हैं। बीईसी दिखा, बीईसी यानी दोनों उधर वाले हैं, त्रिभुज बीईसी में, बीईसी में तो आप देखिए पीडीसी और बीसी में दोनों में सी आ रहा है, दोनों में सी आ रहा है, तो मतलब सी वाला चीज कॉमन है, अर्थात ये वाला एंगल यहां से लेके यहां तक वाला जो एंगल है ना, ये छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी है और बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, क्यों भैया, उभयनिष्ठ, क्या है ये, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में हो। अगला हम लिख सकते हैं आसानी से, ये देखिए ये वाला एंगल यहां से लेके इतना वाला है ए, यहाँ CDP, CDP और अगला एंगल अगर आप देख रहे होंगे तो CEB, CDP ये देखिए, तो एंगल ऑफ CDP बराबर एंगल ऑफ CEB, क्यों बराबर है भैया, समकोण है, क्या है ये, समकोण है। अब बताओ जब ये समकोण है तो भैया कौन सा नियम लगा सकते हैं हम लोग, यहां से लिख सकते हैं AA समरूपता नियम से, ए ए समरूपता नियम से ये दोनों ट्रायंगल, कौन दोनों ट्रायंगल, त्रिभुज पीडीसी, हटाते हैं जरा से इनको, त्रिभुज पीडीसी समरूप है त्रिभुज बीईसी के, ये चीज समरूप है। अब क्या इतनी बातें आपको क्लियर हुई। तो इस प्रकार आपका जो सातवें का ये फर्स्ट पोर्शन था, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इस प्रकार कंप्लीट होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिएगा समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी,
की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बीई भुजा सीडी को एफ प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज एबीई समरूप है त्रिभुज सीएफडी के। इस बार तो बनाया भी नहीं है आकृति, इस बार खुद बनाओ, खुद खाओ, और खुद का बनाया गया चीज बहुत अच्छा होता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज एबीसीडी बनाते हैं, तो कोई भी एक चार भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति बना लीजिएगा। चलिए, ये कोई समांतर चतुर्भुज ए बी सी और डी हो गया। अब आगे कर रहा है ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा एडी, एडी दिखाई पड़ रहा आपको, ये यहां एडी है, तो आप इसको बढ़ाइए जरा सा, वो कह रहा है ना एडी को बढ़ाई गई भुजा एडी। चलिए एडी को बढ़ा दिए, स्थित ई एक बिंदु है, स्थित एक बिंदु ई है, इसी पर एक बिंदु ई स्थित है। बीई भुजा सी डी को, ये देखिए बीई अर्थात इनको हमको मिलाना है, तो थोड़ा सा मिलाएंगे, चलिए देखते हैं क्या मिल जाते हैं। बिल्कुल, जो बीई है वो सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, यही कर रहा ना, तो दर्शाइए कि, देखिए चित्रापट तैयार हो गया, तो सिद्ध करना ए बीई, ए बी ई अर्थात ये वाला पूरा के पूरा यहां से लेके यहां तक का ट्रायंगल सी सी एफ बी इन दोनों के समरूप सिद्ध करना है। तो हम आसानी से इन दोनों ट्रायंगलों को समरूप सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो यहां पर दिया गया वो चीजें लिखते हैं, आपको दिया क्या है, ए बी जो पैरेलल है वो सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के। अब आप बताओ, जब ए बी समांतर है सी डी के तो ए डी भी समांतर होगा बी सी के। यहां से दूसरे लाइन में हम बात करेंगे ए डी समांतर है बी सी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। अब ए डी पैरेलल है बी सी के, तो जब ए डी पैरेलल होगा बी सी के तो ए ई भी पैरेलल होगा बी सी के। यहां से लिख सकते हैं ए ई पैरेलल है बी सी के, अतः ए ई पैरेलल होगा बी सी के, अर्थात ये बड़ी वाली भी लाइन बी सी के पैरेलल होगा। अब आप जरा सा ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे कहूं, अगर अब हमको जो सिद्ध करना है उधर की तरफ चले तो हमको और आसान रहेगा सवाल सॉल्व करने में। ये सारी चीजें दी गई हैं आपको त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई तथा अगला जो त्रिभुज है सी एफ बी, त्रिभुज सी एफ बी में। तो देखिए यहां पर ए बी ई और सी एफ बी में क्या है, सबसे पहला काम आप देखिए तो ये वाला कोण और ये दोनों कोण आपस में बराबर होने वाले हैं प्यारे बच्चों, तो इसका नाम एक रख दिए, उनका नाम दो। तो एंगल ऑफ एक और एंगल ऑफ दो आपस में बराबर हैं, जिसे हम एकांतर कोण कहते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और दो समांतर भुजाओं के बीच खींची गई एक तिर्यक रेखा के जो पर जो कोण बनता है वो आपस में बराबर होते हैं। यहां लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ एक और एंगल ऑफ दो आपस में बराबर है, जो कि एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण। अब आपको ये एक चीज तो क्लियर हो गई, एक एंगल बराबर कर लिए। अब आप देखिए जरा सा, जो सी और ए है ये दोनों आपस में बराबर होंगे, एंगल ए आप एंगल सी आपस में बराबर हो, क्यों बराबर होगा, क्योंकि सम्मुख समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण ये आपस में क्या है बराबर है, ये बराबर है। अब कौन सा नियम लगा भी है, ए समरूपता नियम से, ए समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज ट्रेंगल ऑफ ए बी ई समरूप है ट्रेंगल ऑफ सी एफ बी के। ये आपका क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो गाइस देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, जो प्रश्न नंबर 9 है, वो क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है, ए बी सी ए एम पी ये दोनों समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं दोनों पर 90 अंश का एंगल बन रहा है।
आगे का राह तो सिद्ध कीजिए। सबसे पहला पार्ट आपको सिद्ध करना है एबीसी और एएमपी। एबीसी एएमपी दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। फिर उसके बाद सी ए बटे पी ए और बी सी बटे एम पी आपको प्रूफ करना था। सी ए बटे पी ए यानी ये भुजा का अनुपात इसके और अगली भुजा क्या है बी सी यानी इसकी भुजा का अनुपात इससे। ये तो आप देखिए दोस्तों इनमें जरा सा भी सवाल आपको लगाने में समस्याएं नहीं होने वाली है। जब इस प्रकार के सवाल दे दिए जाते हैं तो आप लोग कहते हैं सर हमने करे क्या, कैसे लाए इन सबको। कुछ नहीं, केवल प्यारे बच्चों जो ये त्रिभुज आपको दिया नहीं है इन्हीं त्रिभुज को समरूप सिद्ध कीजिए, बाकी ये जो सेकेंड पोर्शन है वो सीपीसीटी के तहत आपका लग जाएगा। आइए हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट भाग कैसे हल होगा। तो सबसे पहले जो आपको दिया है वही चीज लिखिएगा। क्या सिद्ध करना है भैया, त्रिभुज ए बी सी तथा अगला त्रिभुज जो है, अगला त्रिभुज कौन है, त्रिभुज ए एम पी में। इन दोनों त्रिभुज में सबसे पहला चीज अगर हम हेरना चाहें तो देखेंगे जो कोण यम है वो कोण बी के बराबर है। कोण बी और कोण यम आपस में क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों कौन से कोण है, समकोण है। दोनों कौन से कोण है भैया, समकोण है। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी, उम्मीद है कि आपको इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी। आगे हम चर्चा करते हैं। अगली हम देख पा रहे होंगे कि हमारे पास जो कोण ए है वो त्रिभुज ए बी सी के लिए भी है और जो कोण ए है वो ए एम पी के लिए भी है। अर्थात अगर हम देखना चाहेंगे तो ये एंगल ए दोनों त्रिभुज के लिए है, अर्थात ये उभयनिष्ठ एंगल है। ये कौन सा एंगल है, उभयनिष्ठ एंगल है। हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण ए, इसे हम लोग का लिख सकते हैं क्यू का क्यू भैया बराबर है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, ये दोनों में है। अब आगे हम बात करते हैं तो कौन सा नियम लगा सकते हैं, ए ए एंगल एंगल ए ए समरूपता नियम से, ए ए समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ए ए समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी। हाँ अब हम बातें करते हैं सेकंड पोर्शन की। ये तो आपका फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हुआ है ना, अब हम बात करेंगे सेकंड पोर्शन की। सेकंड पोर्शन क्या कह रहा है भैया, सेकंड पोर्शन आपसे कह रहा कि सी ए बटे पी ए और बी सी बटे एम पी। तो देखिए सी ए और पी ए और बी सी और एम पी इन्हीं दोनों त्रिभुज में आ रहे हैं ना, हम इनको ऐसे लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी, अगला जो त्रिभुज है वो त्रिभुज है ए एम पी, ए एम पी में। अब आप देखिए त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी में हम ये लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी, ए एम पी एक दूसरे के क्या है, समरूप है, एक दूसरे के समरूप है। भैया जब दो त्रिभुज एक दूसरे के क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं उनका अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं जो ये ए सी यहां से लेके यहां तक, तो सी ए बटे एपी, सी ए बटे क्या हो जाएगा एपी बराबर, अगला क्या हो जाएगा, इधर लंब ले रहे हैं तो इधर भी लंब लेंगे, तो लेंगे सी बी बटे एम पी, सी बी बटे एम पी या बी सी बटे एम पी, ये आपका सेकंड पोर्शन हो गया। कारण क्यों किए, क्योंकि जो सर्वांग जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं वो आपस में, संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो आपस में बराबर होते हैं। हमने इससे पहले जब इसकी पहली वीडियो हमने अपलोड किया था तो उसमें ये सब हमने चर्चा किया है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। इस बात को आपको ध्यान देना होगा और इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, सी डी और जी एच, सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और ई जी एफ को ऐसे समद्विभाजक हैं, ऐसे समद्विभाजक हैं जो कि बिंदु डी और एच
क्रमशः एबीसी और एफएजी के भुजाओं एबी और एफपी पर स्थित है। अब आप ध्यान से देखिएगा, जो चीजें वो कह रहा है वो चीजें हम लोगों ने बना के पहले से रखा। प्यारे बच्चों, ये आकृति आपके बुक में नहीं दी गई है, ये आपको स्वयं से बनाना है, मैंने उसके लिए बनाया। देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग कहां से करते हैं, यहां कर रहा है ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल एफ ई जी। ट्रेंगल ए बी सी, यहाँ सी होना चाहिए था, चलिए ट्रेंगल ए बी सी। अगला ट्रेंगल कौन है, एफ ई जी, दोनों एक ट्रेंगल हो गए। अब इसमें देखिए सी डी और जी एच, सी डी और जी और एच, ये कोण कह रहा है, कोण ए सी बी, ए सी बी। अगला एफ जी ई का समद्विभाजक है, यानी प्यारे बच्चों ये इन दोनों तरफ का जो एंगल है ना वो आपस में क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं समद्विभाजक है और डी एच क्रमशः ए बी और एफ ई पर स्थित है। आगे और दिया है, एक चीज और दिया है कि त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी और अगला एफ ई जी, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। एक दूसरे के क्या है भैया, समरूप है। तो हमको ये तीन पोर्शन प्रूफ करने के लिए दे रहा कि सी डी बटे जी एच, ए सी बटे एफ जी, ये आपको फर्स्ट भाग में प्रूफ करना है, सेकंड भाग में ये, थर्ड भाग में ये। तो प्यारे बच्चों यदि आप फर्स्ट भाग देख रहे होंगे तो यहाँ सी डी बटे जी एच है। अब सी डी देखिए आपको मिलता कहाँ है, सी डी ये मिल रहा है और अगला जो जी एच है ये मिल रहा है। देख पा रहे हैं सी डी और जी एच, ये देखिए सी डी और जी एच, ये वाले त्रिभुज। यदि आपको देखने में दिक्कतें आ रही होंगी या पहचानने में दिक्कत आ रहा होगा कि सर कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो हम इसको अलग कर दे रहे हैं। ये देखिए ये हो गया अगला, और उसके बाद ये वाली त्रिभुज ये हो गई, ये मैंने जिसकी चर्चा की, ये चले ये हो गया। अब सी डी बटे जी एच और अगला क्या कह रहा है, ए सी बटे एफ जी, ए सी बटे एफ जी। तो देखिए ए सी आपका इधर आ रहा है, ए सी आपका इधर आ रहा है, मतलब ये वाला त्रिभुज आपका नहीं होने वाला। प्यारे बच्चों ये त्रिभुज नहीं होगा क्योंकि अगली जो भुजाएं हैं वो इसमें नहीं मिल रही हैं, अगली भुजाएं आपकी इससे मिल रही है। तो त्रिभुज जो तैयार होगा वो त्रिभुज आपका ये होगा। ध्यान से देखिएगा, यहां से आपको ये बातें समझनी होगी कि ये दोनों ये जो भुजाओं का अनुपात है वो इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में आ रहा है, अर्थात इन दोनों को मुझे समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। और इन दोनों त्रिभुज को जैसे ही समरूप सिद्ध करेंगे वैसे ही इनकी संगत भुजाएं इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज, हम यहाँ पर कुछ चीजें हमको दी गई हैं। दिया क्या है, ए बी सी और एफ ई जी समरूप है। ए बी सी और एफ ई जी क्या है, एक दूसरे के समरूप है। उससे कुछ चीजें हम प्राप्त कर लेते हैं तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया है, दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। अब आप एक बात ध्यान से बताइएगा प्यारे बच्चों, जब जब ये दोनों एक दूसरे के समरूप हैं, ये एक दूसरे के समरूप हैं ए बी सी और एफ ई जी, तो इनके जो संगत कोण है भाई वो आपस में बराबर होने वाले हैं, ये मैंने कई बार बताया है। तो अर्थात कोण ए और कोण एफ, कोण ए बराबर कोण एफ हो जाएगा, आगे कोण सी बराबर कोण जी हो जाएगा, कोण सी बराबर कोण जी, और अगला कोण बी बराबर कोण ई हो जाएगा। ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि भैया दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है, समरूप है। अब हम इन्हीं सभी की मदद से एक एक पोर्शन को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले जिनको समरूप सिद्ध करना आप वो लिखिए, कौन से त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर रहे हैं, डी सी ए, डी सी ए, ठीक ध्यान से दिखेगा डी सी ए, तो त्रिभुज डी सी ए। तथा अगला जो त्रिभुज है, अगला त्रिभुज कौन है, एफ एफ जी एच, एफ जी एच या एच जी एफ, त्रिभुज एच जी एफ में देख पा रहे होंगे। अब आप देखिए सबसे पहला बात, एंगल ए और एंगल एफ
आपस में क्या है, बराबर है। एंगल ए और एंगल एफ जो है आपस में क्या है भैया, बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि हमने ऊपर सिद्ध किया है, ये ऊपर चीजें हमको दी गई हैं। या तो लिख सकते हैं चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, और ये जब समरूप है इन्हीं के ये संगत कोण है। इतनी बातें समझ में आई। अब हम अगला नेक्स्ट चीज हेरेंगे। अगला हमारे पास एक ही चीज बचा है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। जो ये एंगल है, एंगल आप सी और एंगल आप जी भी आपस में क्या है, बराबर है। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ डीपली में ये बातें समझाना चाहता हूं कि जो चीजें ये है एंगल सी, यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, एंगल सी और एंगल जी आपस में क्या है, बराबर है। अब हमने एक लाइन वहां पर पढ़ा कि जो डीसी है और जो ये जीएच है वो इन दोनों को समद्विभाजित कर रहा, मतलब इधर के कोण और उधर के को, इधर वाले इधर वाले, इधर वाले इधर वाले, दोनों आपस में बराबर। अर्थात अगर मैं आपसे कहूं यहां पर 1/2 से इधर गुणा कर दें और इधर भी 1/2 से गुणा कर दें, तो क्या किसी को समस्या होगी? नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो भी वही आपका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आप देखो कोण सी का आधा, कोण सी का आधा, क्या कोण सी का आधा हम ये नहीं लिख सकते हैं भैया, ए सी डी? क्या नहीं लिखा जा सकता ए सी डी? नहीं लिखा जा सकता भैया। अर्थात ये कोण सी का आधा ये होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। जरूरत मुझे ये है तो मैं ये लिख लूंगा ए सी डी। तो भैया कोण सी का आधा एंगल ऑफ ए सी डी हो जाएगा, और कोण जी का आधा एंगल ऑफ एफ जी एच हो जाएगा, एंगल ऑफ एफ जी एच हो जाएगा। क्या ये आपको इतनी बातें समझ में आई? तो ये चीज अगर हम यहां लिख दें एंगल ऑफ ए सी डी बराबर एंगल ऑफ एफ जी एच, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बताओ ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब भाई जब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो यहाँ कारण लिख सकते हैं कि ऊपर हमने ये सिद्ध किया है, ऊपर क्या कर चुके हैं भैया, ऊपर सिद्ध किया है। अब कौन सा नियम लगाएंगे जरा सा बताइए। एंगल एंगल ए ए समरूपता नियम से, ए ए समरूपता नियम से ये दोनों जो ट्रेंगल हैं वो क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। नियम से त्रिभुज ए त्रिभुज डी सी ए, त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। अगर आप देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों, तो आपको थर्ड पोर्शन में, यहां देखिए थर्ड पोर्शन में यही आपको प्रूफ भी करना था, तो आप लिख सकते हैं कि ये थर्ड पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया, ये थर्ड पोर्शन आपने इति सिद्ध कर लिया, अर्थात सिद्ध हो गया है। अब जैसे ही हम इसको समरूप सिद्ध किए वैसे ही हमारा फर्स्ट भाग भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो सी डी है और जो जी एच है वो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं, और ए सी ए सी ए ए सी और एफ जी भी उसी समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं। तो इसलिए इन दोनों भुजाओं का जो संगत अनुपात होगा वो आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, अतः यहां से ये चीज लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों, ये चीज हम आराम से लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे हम, अतः लिखेंगे सी डी बटे जी एच, सी डी बटे क्या जी एच इक्वल टू ए सी बटे एफ जी, ए सी बटे एफ जी। कारण क्या होगा, ये आपका फर्स्ट भाग सिद्ध हो जाएगा। यहाँ कारण क्या होगा भी, कारण आप कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या है, समरूप है। अब आपका प्यारे बच्चों केवल केवल एक चीज बचा है, केवल एक चीज बचा है, आप ध्यान से देखिएगा यहां पर। अब आपका जो थर्ड पोर्शन है वो यहां पर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा सा थर्ड नहीं बल्कि किसका, सेकंड पोर्शन। थर्ड तो हम लोग पहले ही लगा लिए ना, तो ये सेकंड पोर्शन है। चलिए देखते हैं सेकंड पोर्शन आपका क्या कर रहा है प्यारे बच्चों। त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज एच जी एफ, डी सी बी और एच जी एफ, एच जी एफ नहीं होना चाहिए था यहाँ, ई होना चाहिए था, यहाँ क्या होना चाहिए था, ई, ठीक, एच जी ई। तो चलिए लिखेंगे पहले त्रिभुज डी सी बी और तथा
त्रिभुज एच जी ई में, एच जी ई में। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात तो जो एंगल बी है और एंगल ई वो आपस में बराबर है, कोण बी बराबर कोण ई, ये आपको क्या है यहाँ दिया है, ये आपको दिया है। आप अगला देखिए, अगला प्यारे बच्चों, यहां से ये चीज अब हम फिर से मिटा रहे हैं और इसको जिसकी जरूरत है वो लिखने वाले हैं। ये देखिए, अब एंगल आधा सी, कोण सी का आधा जैसे ये होता था वैसे ये भी तो हो सकता है प्यारे बच्चों, अर्थात डी सी बी, अर्थात इसको हम डी सी बी भी लिख सकते हैं। वैसे एंगल जी का आधा एच जी ई हो जाएगा, एंगल ऑफ एच जी ई। आपको मोटे मोटे तौर पे हम एक चीज आपको बता देना चाहते हैं प्यारे बच्चों कि ये वाला एंगल इसके बराबर था, ये वाला इसके बराबर था, वो आपको मैंने बताया कैसे बराबर हो रहे हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ऑफ डी सी बी बराबर एंगल ऑफ एच जी ई। यहाँ क्या लिख देंगे भैया, यहाँ क्या कारण दे देंगे कि ऊपर हम लोगों ने क्या किया, सिद्ध किया। तो कौन सा नियम लगेगा, ए ए एंगल एंगल समरूपता नियम से, एंगल एंगल समरूपता नियम से, ये जो दोनों ट्रेंगल है ना भैया, ये दोनों ट्रेंगल त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका जो प्रश्न नंबर 10 है और प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। आज हम देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 11 आपका क्या कह रहा है। दी गई आकृति में ए बी और ए सी, ए बी और ए सी बराबर, दोनों बराबर हैं वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी, बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है, स्थित ई एक क्या है, बिंदु है। आगे कह रहा है यदि ए डी, ये लंब का निशान है भैया, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, ए डी लंब है बी सी पर, अर्थात ये जो ए डी है वो बी सी पर परपेंडिकुलर है, लंब है, और ई एफ जो है लंब है ए सी पर, ई एफ लंब है ए सी पर, तो सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के, अर्थात ए बी डी, ए बी डी, अर्थात जो त्रिभुज आपको नहीं दिखाई पड़ रहा होगा प्यारे बच्चों ए बी डी, या आपको समझने में दिक्कतें आती होंगी कि सर कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं, तो भाई मैं बात कर रहा हूं इस वाले त्रिभुज की, देख रहे हैं ये वाले, ये वाला प्यारा सा त्रिभुज ये ए बी डी की। और अगला ई सी एफ तो आप अलग समझ ही रहे होंगे, ई सी एफ यानी ये वाला त्रिभुज, ये वाला, ठीक। तो चलिए हम बात करते हैं इन दोनों, दो जो त्रिभुज आपको दिया गया है वही त्रिभुज आप ले लीजिए, केवल बस हल करने का तरीका, त्रिभुज ए डी बी तथा अगला त्रिभुज ई सी एफ में। सबसे पहला देख रहे होंगे अगर इधर 90 है तो इधर भी तो 90 होगा, बेफिक्र 90 हो जाएगा। तो बोलो भाई ये 90 है तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, बोलो एंगल ऑफ ए डी बी और एंगल ऑफ ई एफ सी दोनों बराबर है, एंगल ऑफ ए डी बी बराबर एंगल ऑफ ई एफ सी। क्यों बराबर है, क्योंकि भैया दोनों आपके समकोण है, इतनी बात समझ आई। अब हम अगला लिखते हैं एंगल, इसको ये वाला एंगल देख रहे हैं, ये वाला दिखाई पड़ रहा है एंगल, उसके साथ साथ ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस त्रिभुज के लिए है और ये वाला एंगल ई सी एफ के लिए है, एंगल ऑफ बी और एंगल ऑफ सी, एंगल ऑफ बी बराबर एंगल ऑफ सी क्यों है, लिखेंगे ए बी बराबर ए सी, या ऐसे लिख देते हैं बराबर बराबर भुजाओं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, के सम्मुख को, बात समझिएगा जरा सा, आपसे ये चीज क्या कह रहा है, आपने पढ़ा होगा कि बराबर भुजाओं के सामने का कोण हमेशा बराबर होता है, ये भी भुजा बराबर है इसके सामने का कोण ये, और ये भी बराबर है इसके सामने का ये, दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बताओ ए ए कौन सा नियम लगा, एंगल एंगल ए ए समरूपता नियम से, ए ए समरूपता नियम से,
ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो क्या होंगे, समरूप होंगे। कौन? त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे प्यारे बच्चों? समरूप होगा। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर जो 11 था वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 12 का। वो क्या करा, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी और माध्यिका ए डी, ए बी बी सी और माध्यिका ए डी, अन्य त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर की क्रमशः भुजाएं पी क्यू क्यू आर तथा माध्यिका पी एम समानुपाती में है। पहले तो जो चीजें उतना ऊपर दिया गया उसके मदद से हम लिखते हैं क्या कह रहा है, दिया गया है वो ध्यान से लिखिएगा। आपको ये चीज दी गई, क्या करना जानते हैं, ए बी और बी सी, ए बी बटे ए बी का अनुपात पी क्यू से और बी सी का अनुपात क्यू आर से, अर्थात ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, ठीक बात समझ रहे हैं, बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर और माध्यिका ए डी बटे पी एम, ए डी बटे पी एम, ये आपस में बराबर है। ये चीज आपको दिया है तो दर्शाना है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर एक दूसरे के समरूप है। इतनी बात आपको समझ आ गई? ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर। उससे पहले जरा सा हम आपको एक बात की चर्चा कर लेते हैं कि यदि आप देख पा रहे होंगे कि ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर और साथ में ए डी बटे पी एम। अब आप जरा सा ये ध्यान से देखिए कि भाई ये इसका अनुपात बराबर, ये इसका बराबर, तो ये भी इसके बराबर होंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि एडी और पीएम दोनों माध्यिकाएं हैं। एडी और पीएम दोनों क्या है यहाँ पर? माध्यिकाएं हैं। अर्थात इधर वाली दूरी और इधर वाली दूरी बराबर है, इधर वाली दूरी और इधर वाली दूरी बराबर है। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? एक दूसरे के समरूप होंगे। एक दूसरे के क्या होंगे? समरूप होंगे। नहीं तो पहले हम इन दोनों को समरूप सिद्ध करेंगे। त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी तथा अगला वाला त्रिभुज पी क्यू एम, त्रिभुज पी क्यू एम में सबसे पहला ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए डी बटे पी एम, ए डी बटे पी एम ये आपको दिया है, साथ में बी डी बटे क्यू एम भी आपस में क्या है? बराबर है। क्यों बराबर है? बी डी बटे क्यू एम, क्यों बी डी बटे क्यू एम लिखा गया? क्योंकि ए डी और पी एम, ए डी इसकी माध्यिका है, पी एम इसकी माध्यिका है और माध्यिका बराबर भागों में बांट देती है, तो ये इधर की भाग और इधर की भाग का अनुपात आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए कि एस 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 साइड साइड साइड, एस 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 समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। एस एस समरूपता नियम से त्रिभुज कौन? ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के। क्या इतनी बात क्लियर हुई? अब अगर ये दोनों समरूप हैं तो एंगल बी और एंगल क्यू आपस में क्या होगा? बराबर होगा। एंगल बी एंगल क्यू क्या होगा? बराबर होगा। क्यों भैया? क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण, या तो आप इसको सीपी सीटी भी लिख सकते थे। अब हम बात करते हैं आगे। अब जो मुझे प्रूफ करना है वो चीजें उठाइए, ए बी सी पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। अब आइए, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में सबसे पहला ए बी और पी क्यू का अनुपात, ए बी और पी क्यू का जो अनुपात है वो बी सी और क्यू आर के क्या है? बराबर है। बी सी और क्यू आर के क्या है? बराबर है। क्या इतनी बातें आपको क्लियर हो रही है? ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, साइड 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 साइड। अब एक एंगल बराबर कर लीजिए या तो एक साइड,
तो आप देखिए एंगल बी और एंगल क्यू आपस में क्या है, बराबर है। एंगल बी एंगल क्यू क्या है, बराबर है। ये ऊपर सिद्ध किए हैं आप, ये आपने क्या किया है, ऊपर सिद्ध किया गया है, किया गया है, ये आपने यहाँ ऊपर सिद्ध किए थे और ये आपको दिया है। अब बताइए कौन सा नियम लगा। एस ए एस, एस ए एस, साइड एंगल साइड, ठीक। तो हम यहां लिख देंगे, इस चीज को हम यहां पर लिख दे रहे हैं प्यारे बच्चों, साइड एंगल साइड समरूपता नियम से, साइड एंगल साइड समरूपता नियम से। ये दोनों त्रिभुज, कौन दोनों त्रिभुज बेचारे, ए बी सी और पी क्यू आर। ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्या करना था, कुछ भी नहीं करना प्यारे बच्चों, केवल आपको ये और ये, इनका अनुपात इनसे, इनका अनुपात इनसे दिया ही था, केवल आपको ये और ये आपस में बराबर करना था, बस आपका सिंपल सा सवाल सॉल्व हो जाता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे की क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13 क्या कर रहा है, कि किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी, भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एडीसी, एडीसी अर्थात ये वाला एंगल, एंगल बी बीएसी अर्थात टोटल एंगल के बराबर है। तो दर्शाना है सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। सी ए यहां दिखाई पड़ रहा है और सी बी और इंटू सी डी, अर्थात हमारे कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि आपको यहां पर ऐसे सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, यहां पर केवल आपको ये चीज पहचानना रहता है कि किन दोनों त्रिभुज में ये संगत भुजाएं आ रही होंगी, उन्हीं दोनों त्रिभुज को आप समरूप सिद्ध कीजिएगा और आपका सवाल एकदम मक्खन के जैसा आएगा। तो आप पहचान लिए होंगे कि हमारे पास सीबी, सीबी और सीडी, सीडी इस वाली त्रिभुज की भुजा है और सीबी पूरे बड़े वाले त्रिभुज की है, तो हमको बड़े और छोटे दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, ए बी सी, यहां लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, अगला जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल का नाम है ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में। सबसे पहली बात, एंगल ऑफ डी और ये एंगल दोनों बराबर हैं। एंगल ऑफ डी छोटे वाले त्रिभुज में है और ये वाला त्रिभुज बड़े वाले, ये वाला कोण बड़े वाले त्रिभुज में है, तो बी ए सी और ए डी सी दोनों बराबर है। एंगल ऑफ बी ए सी बराबर एंगल ऑफ ए डी सी, और याद आया ये तो दिया है आपको, ये तो आपको दिया है। अब आपको एक काम और करना है, एक काम क्या करना है कि कुछ न कुछ एक कोण बराबर कर ले या तो दो ठो भुजा बराबर कर ले, तभी ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होने वाले हैं। तो आप जरा सा सोचिए कि जो एंगल ऑफ सी दिखाई पड़ रहा है, एंगल ऑफ सी वो ए डी सी के लिए भी है और ए बी सी के लिए भी है, अर्थात एंगल ऑफ सी आपका उभयनिष्ठ कोण है। तो यहां लिख सकते हैं एंगल ऑफ सी इक्वल टू एंगल ऑफ सी, क्यों भैया क्यों बराबर है, ये उभयनिष्ठ कोण है। चलिए जब ये उभयनिष्ठ है तो अब तो काम हो गया, एंगल एंगल अर्थात ए ए समरूपता नियम से, ए ए समरूपता नियम से ये दोनों ट्रायंगल, कौन दोनों ट्रायंगल भैया, एक ये एक ये, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी सी के। ये हो गया आपका, ये भाग पूर्ण रूप से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। ये रहा आपका, अभी कंप्लीट कहां हुआ है, अभी तो अपने केवल समरूप सिद्ध किया, आपको तो लाना ये है। अब देखो उसको भी कैसे लाते हैं, अब जब ये एक दूसरे के समरूप हो गए तो हम इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर लिख सकते हैं। तो सोचिए कैसे लिखा जाए, सोचिए जरा सा हम क्या लिख सकते हैं यहां पर। अगर हम आपसे कहें कि हमको कौन कौन सी भुजाओं का गुणनफल यहां चाहिए, CB इंटू CD, तो CB कहां है, CB ये है पूरा टोटल और CD ये है छोटा, ध्यान से देखिएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं यहां पर
इनका अनुपात कुछ लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। हम लिखेंगे यहां पर CA बटे CB, CA बटे CB। देख पा रहे हैं, CA छोटे वाले त्रिभुज की भुजा होगी और CB बड़े वाले त्रिभुज की भुजा होगी। क्या हम लिख सकते हैं CA बटे CB? CA और CB का अनुपात, और साथ में प्यारे बच्चों साथ में हम क्या लिख सकते हैं, CD और CA का अनुपात, CD और CA का अनुपात। देखिए ये CD ये CA, ये देखिए आप ध्यान से एक बार देखिए, ये CD छोटे वाले त्रिभुज की भुजा है और CA भी बड़े वाले त्रिभुज की भुजा, तो क्या हम लिख सकते हैं बराबर CD बटे CA। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी क्यों लिखा गया CP CD, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात। अब एक बार मैं आपको फिर से समझा देना चाहता हूं प्यारे बच्चों कि ये हमने लिखा कैसे है। देखिए ये AC जो भुजा है ना वो छोटे वाले के लिए भी है और बड़े वाले के लिए भी है, इसीलिए इन दो ये दोनों दो बार आ चुके हैं और कुछ भी नहीं करना यार, CA बटे CB, CA बटे CD, बस खत्म बाजार, आपके सॉल्व कंप्लीट हो गए। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये CA का वर्ग हो जाएगा, वो CB इनटू कितना हो जाएगा CD, ये लीजिए आपका ये भाग क्या हो गया कंप्लीट हो गया, प्रश्न नंबर 13 भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 14 की। एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC, AB और AC, AB और AC तथा मधिका AD, एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजा PQ PR तथा मधिका PM के समानुपाती है, अर्थात AB बटे PQ, अभी सवाल आपने ऐसा लगाया था प्यारे बच्चों AB बटे PQ बराबर अगला AC बटे PR, ये आपको दिया है AC बटे PR और मध्यिका AD बटे PM, AD बटे PM, इन तीनों का अनुपात आपस में क्या है समान है, ये आपको दिया, तो सिद्ध करना है भैया ABC और PQR एक दूसरे के क्या है समरूप है। प्यारे बच्चों जरा सा अगर मैं आपसे कहूं कि AB बटे PQ AD बटे PM के अनुपात के बराबर है, AC बटे PR AD बटे PM के अनुपात के बराबर है, ये बात आप समझ रहे हैं, हम यहां लिख सकते हैं, देखिए इसी से लिख रहे हैं कि AB बटे PQ बराबर AD बटे PM, क्या हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और AC बटे PR, AC बटे PR बराबर AD बटे PM, क्या दिक्कत किसी को भैया, ये इनके बराबर है ये इनके बराबर, अगर इसका और इसका अनुपात इसी के बराबर, इसका अनुपात इसी के बराबर, तो क्या BC और QR का अनुपात इसके बराबर नहीं होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है प्यारे बच्चों। तो इसी प्रकार हम लिख देंगे कि इसी प्रकार क्या लिखेंगे BC बटे QR, BC बटे QR बराबर AD बटे PM, AD बटे PM, आप यहां पर देख सकते हैं कि ये भी AD बटे PM के बराबर, ये भी AD बटे PM के बराबर, ये भी AD बटे PM के बराबर, तो हम तीनों की अगर तुलना करें कंपेयर करें तो लास्ट में हमको क्या मिल जा रहा है, अब लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल PQR में, चलिए ये कुछ चीजें आपको पहले ही दी हैं, क्या दी हैं AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर, यहां आपने एक चीज और पाया AD बटे PM के स्थान का आपने पाया है BC बटे QR। देखिए जिस त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, तो AS S S S S S समरूपता नियम से, एस एस समरूपता नियम से ये दोनों ट्रायंगल त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपका ये भी सवाल कंप्लीट होता है, आप इन दोनों सवाल का एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे की सवाल जो बचे हुए दो सवाल हैं उनको भी चर्चा कर लेते। तो गाइस हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक
ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है और जबकि उसके मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। एक बार फिर से कह रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, मान लेते हैं कि ये कोई एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ रहा होगा जिसकी लंबाई कितनी है 6 मीटर है। इसकी कह रहा कि भूमि पर जो छाया है वो भैया 4 मीटर है, इसकी जो छाया है ये मान लेते हैं ये छाया हो गई, इसकी लंबाई कितनी हो गई 4 मीटर हो गई। आगे कह रहा जबकि उसके मीनार की छाया तो मान लेते हैं कि थोड़ी दूर पे एक दूसरी मीनार रही होगी, ये हो गई मीनार। अब मीनार की जो छाया है वो 28 मीटर है, अर्थात मीनार की छाया टोटली 28 मीटर है, यहां से लेके यहां तक कितना है 28 मीटर है। मीनार की छाया की लंबाई कितनी है बच्चों 28 मीटर है। तो ये स्तंभ हो गया, ये मीनार हो गया। अब आगे कह रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई क्या है h, मीनार की ऊंचाई क्या है h, और इन दोनों को मिला देते हैं, मिला दिए आपका डायग्राम बन गया। अब आप नाम देना चाहो a b c d, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात क्या है बच्चों, यहां पर 90 अंश का एंगल बन रहा है, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये वाला एंगल दोनों बड़े और छोटे दोनों त्रिभुज के लिए उभयनिष्ठ है। तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है, ये छोटा वाला और बड़ा वाला दोनों एक दूसरे के समरूप है। तो समरूपता का नियम कहता है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी, तथा अगला त्रिभुज कौन है प्यारे बच्चों, अगला त्रिभुज कौन है, नाम नहीं लिखे ई लिख दीजिए, हाँ ई सी डी, त्रिभुज ई सी डी एक दूसरे के क्या है समरूप है, एक दूसरे के क्या है समरूप है, एक दूसरे के क्या है प्यारे बच्चों समरूप है। अब बताओ जब ये एक दूसरे के क्या है समरूप है, तो समरूपता का नियम कहता है कि इनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं ए बी और ई सी, ए बी बटे ई सी इक्वल टू, अब अगला संगत भुजा कौन है बी डी बटे डी सी, बी डी बटे डी सी, बी डी बटे डी सी। चलिए ए बी की वैल्यू कितनी है एच है, ई सी की वैल्यू, ई सी की वैल्यू 6 है बराबर, बी डी की वैल्यू बी से लेकर डी की वैल्यू टोटल 28 है, और डी सी की वैल्यू 4 × 28 बटे क्रॉस मल्टीप्लाई एच की वैल्यू 7 × 42 मीटर, कितना मीनार की ऊंचाई जो है कितनी आ गई 42 मीटर आ गई। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 15 का सवाल का आंसर। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। ए डी और पीएम त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर क्रमशः मध्यिकाएं है, जबकि एबीसी समरूप है पीक्यूआर के, तो सिद्ध करना है एबी बटे पीक्यू बराबर एडी बटे पीएम। अब एबी बटे पीक्यू, ए बी और पीक्यू, एडी और पीएम, अर्थात इन दोनों त्रिभुज को हमको समरूप सिद्ध करना है, इन वाले को ठीक, इनको, और इनको समरूप सिद्ध कर दिए तो सीपीसीटी लगा के हम आराम से उन दोनों को जो सिद्ध करने के लिए दिया हम लोग लिख सकते। तो सबसे पहले जो दिया है हम यहां से कुछ चीजें प्राप्त करेंगे, दिया है ट्रायंगल ऑफ ए बी सी समरूप है ट्रायंगल ऑफ पी क्यू आर के, अर्थात बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है। जब ये समरूप है तो एंगल ऑफ बी और एंगल ऑफ क्यू आपस में बराबर होंगे, एंगल ऑफ बी बराबर एंगल ऑफ क्यू, ठीक। इतनी चीजें तो क्लियर हो गई भाई, एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है। एक चीज और हम लिख सकते हैं कि ए बी, क्या लिखेंगे, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू लिखा जा सकता है, बराबर क्या लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों, बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर, और लिखा जा सकता है ए सी बटे पी आर, ये भी आप लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए यहां से जरा सा हम केवल इसको उठाने वाले हैं, इन दोनों को उठाएंगे बस। देखिए बी सी, इस बी सी BC बटे QR को क्या हम कुछ और लिख सकते हैं, लिखेंगे
बीसी को हम क्या लिख सकते हैं, जरा सा ध्यान से देखना है केवल आपको बस। क्या हम ये चीज आपको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये चीज क्या लिखा जा सकता है कि इस बीसी को, इस बीसी को बीडी का दुगना लिख दिया जाए और क्यूआर को क्यूएम का दुगना लिख दिया जाए, क्योंकि डी मधिका है, डी और यम मधिका है, तो बीडी का दुगना बीसी होगा और क्यूएम का दुगना क्या होगा, क्यूआर होगा। तो क्या हम ये लिख सकते हैं, बीसी को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों टू गुड़े बीडी, बीडी का दुगना, बीडी का दुगना बीसी हो जाएगा वैसे प्यारे बच्चों। और यहां पर क्यू आर को हम लिख सकते हैं टू क्यू एम, अर्थात क्यू एम का दुगना, क्यू एम का दुगना क्यू आर होगा और बीडी का दुगना बीसी होगा। दो से क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, अर्थात यहां बीसी बटे क्यू आर बराबर मिल जाएगा बीडी बटे क्यू एम, बीडी बटे क्यू एम। क्या इतनी किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समीकरण नंबर एक बना लीजिए, समीकरण नंबर दो, समीकरण एक और दो की आप तुलना कर दीजिए, समीकरण एक व दो से। अब जैसे ही समीकरण एक और दो की तुलना करोगे, ए बी बटे पी क्यू बीसी बटे क्यू आर के बराबर है, तो बीसी बटे क्यू आर बीडी बटे क्यू एम के बराबर है। हम लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर बीडी बटे क्यू, समीकरण नंबर तीन बना लेते हैं। चलिए अब हमको जो प्रूफ करना है वो चीजें लिखते हैं, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी तथा अगला त्रिभुज ए डी बी तथा पी एम क्यू, त्रिभुज पी एम क्यू में सबसे पहला एंगल बी और एंगल क्यू के बराबर है, ये आपने ऊपर देखा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, आपने ये ऊपर सिद्ध किया है। ठीक, अगला देख रहे होंगे प्यारे बच्चों, अगला ये समीकरण तीन देखिए, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बी डी बटे क्यू एम बराबर बी डी बटे क्यू एम, समीकरण नंबर तीन से। क्यों बराबर है, क्योंकि ये समीकरण तीन से। अब आप बताओ जब ये दोनों बराबर है कौन सा नियम लगेगा, साइड एंगल साइड, एस ए एस समरूपता नियम से, ए एस ए एस समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज पी एम क्यू के, और जब ये दोनों समरूप है तो बताओ प्यारे बच्चों जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो हम आसानी से लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, सी पी सी टी से यहां लिख देते हैं। तो अब अतः लिख देंगे, अतः क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, ये आपका प्रूफ हो गया, सी पी सी टी समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात। ठीक, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा प्यारे बच्चों। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद जरूर आया होगा प्यारे बच्चों। वीडियो काफी लंबी हो गई होगी, परंतु आपको समझाने के लिए वीडियो लंबी हो जाने से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला प्यारे बच्चों। आप वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, इसके अगले टॉपिक के लेकर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।